नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। दोस्तों आज हम मैथ गेम खेलेंगे। तो हम एडिशन में क्या करें? हाँ, मेमोरी मैच, इजी। ठीक है, आ चुका है। 2+1 क्या होता है? 3। ये रहा करेक्ट। 4+1 क्या होता है? 5 होता है। 1+9 होता है? 10। 9+4 होता है? 13। 4+7 होता है? 9+6 कितना होता है? 15। और 4+7 कितना होता है? 11। आउटस्टैंडिंग। फिर से करते हैं। 4+2=6। हाँ, 1+1=2। 9+5 14। 9+4 मतलब 8+4 12। 5+4=9। 5+7=12। हाँ, तुमने सब सही करे, बस एक रिट्राई करा, वो गलती से दब गया था। 3+7=10। 10+5=12। 1+8=9। 1+1=2। 1+1=2। 4+3=2 क्या होता है? 7। 9+2+7 कितना होता है? 9। तुमने सब सही किए। तो हम फिर से करते हैं। +9=17। 3+7=10। 4+6=10। 9+4=13. 2+4=6। 3+8=11। हमने सब सही किए। अब हम कुछ और करते हैं। हाँ, बैलेंस्ड इक्वेशन। 3+3=2 इतना होता है? 6 होता है। तो अब हमें भी इसमें थोड़ा कठिन है, लेकिन हम कर लेंगे। हमें इसमें 3+3=6 होता है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि दूसरे इक्वल है, उसमें भी हम जो नंबर प्लस करें तो उसमें आना चाहिए, उसका इज इक्वल टू आना चाहिए 6। तो इन ऑप्शन में देखो, 5। हाँ, सही आंसर। अब हमें फिर करना है। 2+5=2 कितना होता है? 7 होता है। तो हमें उसमें भी 7 चाहिए। 5 नहीं, ये नहीं होगा। 2 होगा। 6+1=2। 6+1=2 कितना होता है? इक्वल टू होता है 7। हमें यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए कि यहाँ उसका इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, तो हाँ, 4 नहीं, हमें क्या चाहिए? 6+1=7। तो हम 5 करेंगे। हाँ, तो 8+1=2 कितना होता है?
नहीं, 2+7 इज इक्वल टू कितना होता है 9। तो हमें इसमें भी 9 चाहिए, तो 1+ कर देंगे 8 में, 9 आ जाएगा, उसका इज इक्वल टू, तो कर देंगे हम 2+ इज इक्वल टू 4+1 चाहिए 5। तो हम क्या प्लस करेंगे 3, 2+3 इज इक्वल टू 5 ना। 3+ कितना कि 5 कि 7 आए, क्योंकि 5+2 इज इक्वल टू 7, 2 है और 3 है, तो एक प्लस हो रहा है, तो हम 5 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा 4 बचेगा, वो तो करेक्ट 4। 6+3 इज इक्वल टू कितना होता है, हाँ होता है 9। तो हमें इसमें ये सही नंबर चाहिए कि 9 आए, उसका इज इक्वल टू तो कौन सा नंबर, ऑप्शन में चेक करते हैं, 5। हाँ 3+3 इज इक्वल टू कितना होता है 6 होता है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि -+2 में ऐसे 6 आए, इज इक्वल टू 6 आए। हम देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन में चेक करते हैं, हाँ 4। अब देखो ये क्या है, 3+5 कितना होता है, कितना होता है, हाँ होता है 8। तो हमें इसमें 8 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ऑप्शन में किस में किस हम किस से प्लस करें कि उसका इज इक्वल टू 8 हाय, तो हाँ 6। 5+2 इज इक्वल टू कितना होता है, हाँ 7 होता है। तो हमें भी इसमें इसके लिए नंबर ढूंढना है कि उसका इज इक्वल टू 7 आए, तो अब हम करते हैं ऑप्शन में देखते हैं 3। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, बाय बाय। और हम करेक्ट भी देख लेते, 10 क्वेश्चन थे हमने सारे कर लिए करेक्ट, रॉन्ग एक भी नहीं, इसलिए वहाँ पे ब्लू नहीं आ रहा है, इसमें ब्लू आ रहा है करेक्ट में। देखो हमने सारे करेक्ट किए हैं, करेक्ट आंसर्स। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, बाय बाय।